बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। टुडे माय रेसिपी इज़ जिंगर बर्गर, बोनलेस चिकन, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, नमक हसबे जायका, 1 टीस्पून रेड चिली, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 बाय 1 सारे मसाले ऐड करें, धनिया पाउडर ऐड करें, नमक हसबे जायका, टिक्का पाउडर ऐड करें, रेड चिली पाउडर ऐड करें। क्वांटिटी मैंने बता दी है। गरम मसाला ऐड करें एंड देन इसे मिक्स करें। अच्छे से मिक्स होना चाहिए। चिकन को अच्छे से मसाले में मिक्स करना है। अब 1 घंटा चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख दें। मैदे में 1 टीस्पून नमक ऐड करें, मिक्स करें। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। अब चिकन को अच्छे से मैदे में डिप करना है या मिक्स करना है, बहुत अच्छे से करना है। लाइक दिस। और एक बार पानी में डिप कर लेना है, सिर्फ एक बार। एंड अगेन दोबारा से मैदे में अच्छे से डिप करना है या मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि क्रम्स बन जाएं। बाकी जो चिकन के पीसेस हैं उनको भी ऐसे ही अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेना है। और सिर्फ एक बार पानी में डिप कर लेना है, सिर्फ एक बार। एंड अगेन दोबारा से मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि क्रम्स बन जाएं। क्रम्स अच्छे से बने ताकि सारे रेडी हो चुके हैं। अब चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को इतना फ्राई करना है कि चिकन अच्छे से गल जाए। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब चिकन को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेना है। दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई करेंगे। देखें चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। जो पीस चिकन के फ्राई हो गए हैं उन्हें हम निकाल लेंगे। जो अभी तक हमें लगता है कि
अच्छे से फ्राई नहीं हुए हैं उन्हें हम रहने देंगे। आपने ये चेक भी करना है कि चिकन अच्छे से गल चुका है या नहीं, चेक करना है और फिर चिकन को निकाल लेना है। देखें, मज़ेदार से चिकन ब्रोस्ट रेडी हो चुके हैं। मायोनीज़ में टोमेटो केचप मिक्स करना है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको मायोनीज़ में टोमेटो केचप अच्छी ना लगे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब बन के जो नीचे वाला हिस्सा है उस पे हम ये सॉस लगाएंगे। अब खीरे को सेट करना है अच्छे से, खीरे को रखना है हमने इसमें। उसके बाद कैबेज रखनी है, बंद गोभी, अनियन रखना है, उसके बाद चिकन का पीस रखना है। अब जो बन की ऊपर वाली साइड है उस पे भी हम ऐसे ही ये सॉस लगा लेंगे और रख देंगे। बाकी बर्गर्स को भी ऐसे ही इसी प्रोसेस से आपने रेडी कर लेना है। पहले खीरे रखने हैं, सॉस लगा के खीरे रखने हैं, उसके बाद कैबेज रखनी है, फिर थोड़ी सॉस आप चाहें तो ऐसे ही ऊपर से डाल सकते हैं। उसके बाद आपने चिकन का पीस रखना है, अनियन आप ऊपर रखें नीचे रखें आपकी चॉइस है। ये बन का ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पर भी हम सॉस लगा लेंगे और सेट कर लेंगे। अब हम आलू के चिप्स फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जिंगर के साथ आलू के चिप्स ना हो तो कुछ मज़ा ही नहीं है। जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक वीडियो को बनाना, एडिट करना, एक चैनल चलाना। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।